हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल होम ब्यूटी में आप लोगों का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑयली स्किन के बारे में। हमारी ऑयली स्किन है, इसको हम कैसे जाने, कुछ लोग को नहीं पता होता है कि हमारी कौन सी स्किन होती है। तो आज मैं ऑयली स्किन की पहचान आप लोग से बताऊंगी कि कैसे उसकी पहचान करें कि हमारी स्किन ऑयली है। अगर ऑयली स्किन है तो हम उसकी कैसे देखभाल करें, साथ ही हम बताएंगे आप लोग को कि स्किन की, ऐसी स्किन की अगर हम देखभाल नहीं करते हैं ऑयली स्किन की, तो हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, खासकर ऑयली स्किन वाले के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो बिना स्किप किए फ्रेंड देखिएगा वीडियो को, फुल वॉच कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, ना मुझे कुछ मिलेगा, मुझे मिलेगा बहुत सारा मोटिवेट, जिससे मुझे अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। फ्रेंड्स, और अगर आप फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को बेल के द्वारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं ऑयली स्किन के बारे में। तो हमारी स्किन ऑयली है, इसकी पहचान हम कैसे करें? तो सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम कितना भी फेस वॉश क्यों ना किए हों, सॉप से अपना चेहरा क्यों ना धोए हों, थोड़ी ही देर बाद हमें जो है हमारी स्किन पर ऑयल जैसा निकलने लगता है, चिपचिपा सा फील होता है, तो स्किन होती है ऑयली। और ऑयली स्किन जो है खासकर समर सीजन में, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। गर्मियों में हमेशा जो चेहरा है बिल्कुल हमेशा ऑयल जैसा लगता है कि जैसे चेहरे में ऑयल लगाए हुए हों। तो ये मेरी ऑयली स्किन अगर होगी तो हमेशा ऐसा ही लगेगा, यही ऑयली स्किन की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा ऑयल बिना कुछ लगाए हुए भी दिखता है, खासकर गर्मियों के सीजन में, ऐसी स्किन वाले को समर सीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन विंटर सीजन में काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इनकी स्किन बहुत कम ही ड्राई होती है, बहुत ही कम मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो विंटर के लिए तो काफ़ी अच्छी होती है। ऐसी स्किन सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी होती है फ्रेंड्स अगर हम उसकी केयर नहीं करते हैं। तो केयर करने के लिए सबसे पहले ये है कि आप जो है अपने चेहरे को केवल पानी से ही क्यों ना, साफ पानी से ही क्यों नहीं, अपने चेहरे को 6 से 7 बार आप वॉश करें। जब भी मन करे समर सीजन में 6 से 7 बार वॉश करें, और कम से कम 3 बार तो फेस वॉश करें, जिससे आपके जो चेहरे का वो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकलता रहे। और साथ ही आप कोई ना कोई एक बेस्ट होम रेमेडी आप चुनिए, जो कि जैसा कि मैंने बहुत सारी होम रेमेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिनमें से ऑयली स्किन के लिए बहुत सारी हैं। आप देख सकते हो कि जो ऑयल है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी रेमेडी लगाएं। तो फ्रेंड्स, रेमेडी तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और वैसे भी ऑलरेडी रेमेडी आपको मिल जाएगी, आप मेरे वीडियो पर, आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम स्किन की केयर करने के लिए सबसे पहले तो अपने चेहरे को वॉश करेंगे, और वॉश करने के साथ साथ जो है अपने चेहरे पर टोनर जरूर अप्लाई करेंगे। टोनर जो है सभी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, चाहे वो नॉर्मल हो या ऑयली या ड्राई, तो टोनर बहुत ज़रूरी होता है समर सीजन में। समर सीजन में टोनर ज़रूर अप्लाई करें, और साथ ही सीरम भी यूज करें। सीरम ऐसे बहुत सारे आप लोग को मिल जाएंगे जो कि ड्राई स्किन के लिए होगा और ऑयली स्किन के लिए भी। तो ऑयली स्किन के लिए पपाया का सीरम बहुत ही परफेक्ट होता है, आप गुडवाइस का पपाया का सीरम लीजिए, जो आपके ऑयल को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा होता है, बहुत ही हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आप जो है सीरम और टोनर लगाइए, साथ ही साथ अपने चेहरे को हमेशा वॉश करते रहिए, जब भी आपका मन करे तब भी वॉश कर लीजिए, और 3 बार तो आप फेस वॉश जरूरी करें। अगर आप इस तरह नहीं करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऑयली स्किन पर? तो अगर आप केयर नहीं करते हो तो आपके चेहरे पर सबसे पहले तो पिंपल्स निकलता है, क्योंकि स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं ऑयल से हमेशा जमे रहने की वजह से। स्किन जो होती है वो प्रॉपर रूप से जो है आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं हो पाती है, जिससे आपके चेहरे पर पिंपल्स आने लगेंगे, और जैसे ही पिंपल्स आएंगे तो आपके जो आप उसे ज़रूर फोड़ना चाहोगे, और उसके जो गंदे डस्ट होते हैं और लगने की वजह से बहुत सारे पिंपल्स फैलने लगते हैं, और एक्ने की भी प्रॉब्लम होती है ऑयली स्किन पर, जो कि पिंपल्स का ही रूप एक्ने भी होता है। लेकिन उसका क्या होता है पहचान, कि छोटे छोटे पिंपल्स जैसे दाने होते हैं, और जहाँ होते हैं तो एक गुच्छे जैसा समूह ले लेते हैं, वो होती है एक्ने। तो एक्ने की प्रॉब्लम होती है खासकर ऑयली स्किन पर। अगर ऑयली स्किन है तो पिंपल्स के साथ साथ आपको एक्ने की भी प्रॉब्लम हो सकती है।
तो फ्रेंड्स अपने चेहरे की प्रॉपर रूप से केयर करें, चाहे ऑयली हो या ड्राई या नॉर्मल। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक करने में कंजूसी ना कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की भी आईडी मेरे चैनल की ही आईडी है, नेचुरल होम ब्यूटी अनुपमा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू।